वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं पीतम पर आया हूँ, कैपल कंपनी के डेमो सेंटर में आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर वुड वर्किंग की बहुत सारी मशीनें हैं और दोस्तों बाकी की डिटेल जो थी पैनल्स होगी ये पंकज ब्रदर हमारे देंगे। और दोस्तों जो सर वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने रखा हुआ, मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता मेरे कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको पैनल सॉ का रिव्यू देने के लिए जा रहा हूं, जो कि एसएम कंपनी का है और मॉडल नेम है क्लास SI 300, जो आप देख रहे होंगे मशीन के ऊपर प्रिंटेड है। मैं आपको एसएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, जो कि ये इटालियन कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो मशीन मैन्युफैक्चर करती है वुडवर्किंग के अंदर। और 70 ईयर्स ओल्ड कंपनी है ये, और हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन की मशीन्स बनाती है, हाई टेक्नोलॉजी के अंदर मशीन्स बनाती है, जो आप देख भी रहे होंगे कि जो एसएम की पैनल सॉ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दिख रही है आपको। और ये वाली जो मशीन है सबसे ज्यादा मॉड्यूलर किचन और सॉलिड वुड इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इस मशीन के ऊपर हम कौन कौन से मटेरियल कट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। MDF, पार्टिकल बोर्ड, HDHMR, HPL, हाई प्रेशर लेमिनेट, एक्रिलिक बोर्ड्स, प्लास्टिक बोर्ड, रबर बोर्ड्स और एल्युमिनियम आप कट कर सकते हो इस मशीन के ऊपर। और आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स और फैक्ट मिलने वाले हैं, क्यों आपको बने रहना है लास्ट तक। दोस्तों मैं मशीन की स्पेसिफिकेशन बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मशीन का बेड है, जो कि आपके 10 फीट का बड़ा बेड है आपका और 10 फीट का क्रॉस फेंस है, तो इसके ऊपर आप इजिली 10 फीट बाय 10 फीट का बोर्ड इजिली कट कर सकते हो। जो कि मार्केट में स्टैंडर्ड बोर्ड्स आते हैं 8x4 के, 9x6 के, तो वो इजिली इसके ऊपर कट हो जाएंगे आपके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है मशीन के ऊपर, बोर्ड कटिंग के ऊपर। और मशीन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 50 से 60 बोर्ड है 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर। तो जितने भी मॉड्यूलर किचन बनाने वाली फैक्ट्री हैं उनके लिए बहुत अच्छी मशीन होने वाली है ये, क्योंकि मोस्टली जो लार्ज वॉल्यूम्स का काम होता है किचन मैन्युफैक्चर के अंदर होता है, तो 50 से 60 बोर्ड इज द इनफ कैपेसिटी। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, जो कि 50 से 60 बोर्ड आप काट सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों मैं मशीन के बेड के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ। जो कंपनी है SCM की, वो बेड के ऊपर 10 साल का वारंटी दे रहा है। वो किस लिए दे रहा है वारंटी, इस रीज़न की वजह से आप देख रहे होंगे जो इसका स्लाइडिंग बेड है, जो ये स्लाइड कर रहा है, ये आपका आयनाइज्ड एल्युमिनियम के थ्रू बना हुआ है। आयनाइज्ड एल्युमिनियम क्या होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म के अंदर ट्विस्ट और बेंड नहीं होता है। तो नॉर्मल मशीन्स में क्या होता है, आयनाइज्ड एल्युमिनियम यूज़ नहीं होता है, तो उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है और उसमें आपका कटिंग नॉर्मल नहीं होता है, उसमें आपका चिपिंग का इशू आता है, स्ट्रेट कटिंग नहीं आता है, बनाना कट आता है कटिंग के अंदर। तो ये कुछ इश्यूज आते हैं अगर ये सिस्टम नहीं होता है मशीन के अंदर। और आप देख रहे होंगे हमारा जो बेड स्लाइडिंग वाला है, ये हमारा स्लाइड कर रहा है हमारा इस सिस्टम के ऊपर। और जो ये हमारा सिस्टम है, ये आपका मैकेनिकल बेंडिंग सिस्टम के थ्रू हमारा हार्डन्ड स्टील क्रिम्ड किया हुआ है इसके ऊपर। तो इस वजह से SCM कंपनी इसके ऊपर 10 साल का वारंटी दे रहा है आपको। दोस्तों मैं आपको ब्लेड की सेटिंग बता देता हूँ। ब्लेड की सेटिंग हमारे दो तरीके से होती है, ये हमारे दो नॉब्स दिए हुए हैं और हैंडल दिए हुए हैं, जिससे हमारे ब्लेड की अप डाउन और टिल्टिंग फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। हमको नॉब को लूज करना है और ये हैंडल है आपका। अब ब्लेड आप देख रहे होंगे अप एंड डाउन हम कर सकते हैं इस हैंडल के थ्रू। अब मैं टिल्टिंग आपको दिखाता हूँ, हम ब्लेड को टिल्ट कर सकते हैं और यहां पर हमारी मैकेनिकल रीडिंग दी हुई है जो हमको बताएगी ब्लेड कितने एंगल पर है हमारा। और आपको दिख रहा होगा ब्लेड हमारा टिल्ट भी हो रहा है इधर, और इधर मैकेनिकल रीडिंग भी शो हो रही है आपकी, और मैकेनिकल रीडिंग में शो होता है कि आपका ब्लेड कितने एंगल पर है अभी। ये हमने 45 डिग्री पर ब्लेड को सेट कर दिया और आप देख रहे होंगे ब्लेड 45 डिग्री पर सेट हो गया है ये। दोस्तों मैं आपको ब्लेड के बारे में बताना जा रहा हूँ। जो इस मशीन के अंदर मैक्सिमम ब्लेड का साइज लगता है वो 315 mm का लगता है और जो मिनिमम लगता है 250 mm का लगता है। यहाँ पर D का मतलब है डायमीटर, और जो इसमें ब्लेड का आपका थिकनेस है वो 2.8 रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे D मैक्सिमम 315 mm, D मिनिमम 250, और यहाँ पर E का मतलब है थिकनेस, 2.8 mm का थिकनेस का ब्लेड लगेगा। और आप 315 mm का ब्लेड लगाकर 100 mm की कटिंग कर सकते हो 90 डिग्री के ऊपर, और अगर आप 45 डिग्री के ऊपर कटिंग कर रहे हो तो आपको 70 mm मैक्सिमम कटिंग मिलेगी। दोस्तों पैनल सो में हमारे दो ब्लेड्स होते हैं, एक हमारा मेन सो ब्लेड होता है और एक हमारा स्कोरिंग सो ब्लेड होता है।
तो जो स्कोरिंग सो ब्लेड होता है वो हमारा मोस्टली जो हम बोर्ड्स कटिंग कर रहे हैं, बोथ साइड लेमिनेटेड बोर्ड्स कटिंग कर रहे हैं, तो बोर्ड्स में चिपिंग ना आए कटिंग के टाइम पर, तो हम ब्लेड को ऊपर कर देते हैं, और जब हम सॉलिड वुड काट रहे हैं तो ब्लेड को हम स्कोरिंग वाले को नीचे कर देते हैं। और इसके साथ में आप देख रहे हो एक राइमिंग नाइफ भी लगा हुआ है। ये किस लिए यूज़ होता है? जब हम बोर्ड्स या सॉलिड वुड कट कर रहे हैं तो हमारा बोर्ड जुड़े ना आगे से, गैप बना रहे, और हमारा बोर्ड या वुड किक बैक ना मारे, और हमारा मोटर पावर के ऊपर अफेक्ट ना पड़े मोटर के ऊपर, तो इस वजह से हम राइमिंग नाइफ को यूज़ करते हैं। दोस्तों पैनल सॉ के अंदर दो टाइप के फेंस होते हैं हमारे, एक हमारा रिफ फेंस होता है, एक क्रॉस कट फेंस होता है हमारा। जो हमारा क्रॉस कट फेंस होता है इधर हम कोई भी साइज का बोर्ड कटिंग कर सकते हैं, और जो हमारा रिफ फेंस होता है अगर हमें सेम साइज के बहुत सारे बोर्ड्स कटिंग करने हैं तो हम रिफ फेंस के ऊपर सेट कर सकते हैं मेजरिंग डायमेंशन को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्रॉस कट फेंस के ऊपर। दोस्तों मैं आपको क्रॉस कट फेंस दिखाता हूँ, आप क्रॉस कट फेंस देख रहे होंगे, ये इसके ऊपर नंबर प्रिंटेड है, तो इन नंबर के थ्रू आप डायमेंशन सेट कर सकते हो, जो आपको बोर्ड्स या कटिंग करना है आपको उस डायमेंशन की तरह आप सेट कर सकते हो। और सेट करने के लिए आप जो आप देख रहे होंगे आप ऐसे सेट कर सकते हो, आप किसी भी डायमेंशन में जो डायमेंशन आपको सेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 900 mm कट करना है, मैंने 900 mm पे सेट किया और इसको टाइट कर दिया, तो आप यहाँ से बोर्ड रख कर कटिंग कर सकते हो। तो जो भी आपको डायमेंशन सेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ सेट करनी है तो आप यहाँ पर सेट करो और आप कट कर सकते हो। ये जो आपका क्रॉस कट फेंस है ये आप स्ट्रेट में भी कटिंग कर सकते हो, और किसी एंगल पे आपको कटिंग करना है, माइटर में आपको कटिंग करना है तो आप किसी भी एंगल पर कटिंग कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड एंगल्स दिए हुए हैं और ये आपको एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आपको कोई भी एंगल सेट करना है तो आप फेंस को मूव कराकर आप चेंज कर सकते हो और एंगल पे सेट कर सकते हो। दोस्तों मैंने ये फेंस को आपका 30 डिग्री पर सेट कर दिया, ये आप देख रहे होंगे, तो हम ऐसे ही किसी भी एंगल पर हम सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 30 डिग्री पर मैंने फेंस को सेट कर दिया। अगर हम मशीन के बैक में जाते हैं तो हमें दो सेटिंग्स मिलेंगी, एक तो हमको स्कोरिंग सॉक की सेटिंग मिलेगी, आप देख रहे होंगे इधर एरो दिख रहा होगा आपको, अप एंड बॉटम का एरो एंड लेफ्ट एंड राइट का एरो होगा। तो अगर हमको स्कोरिंग सॉक को ऊपर करना है और नीचे करना है उसके लिए हमारे लिए यहाँ पर मेमोरी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ये मेमोरी सेट कर सकते हैं जितना हमको स्कोरिंग सॉक का हाइट देना है। हम इसको लूज करके आप देख रहे होंगे स्कोरिंग सो हमारा नीचे चला गया है, और हमने मेमोरी सेट किया हुआ है कि इस डायमेंशन पर हमारा स्कोरिंग सो ऊपर आ जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, हमारा स्कोरिंग सो ऊपर आ गया। सेम ऐसे ही हम लेफ्ट और राइट में हम स्कोरिंग सो को कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे स्कोरिंग सो की पोजिशन चेंज हो रही है, हमने मेमोरी सेट किया हुआ इधर और इधर, तो ये सेट हो रखी है। स्कोरिंग सो की मेमोरी की वजह से हमको टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बचता है जब हम बोर्ड्स कटिंग करते हैं, सॉलिड वुड कटिंग करते हैं, अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं बोर्ड कटिंग से सॉलिड वुड के अंदर, क्योंकि सॉलिड वुड के अंदर हमको स्कोरिंग सो को नीचे करना पड़ता है और बोर्ड्स कटिंग में हमको ऊपर करना पड़ता है। अब मैं रिफेंस की बात करता हूँ, रिफेंस हमारा मशीन के राइट साइड में होता है और थोड़ा सा बैक साइड में, तो आप देख रहे होंगे इधर डायमेंशन दिया हुआ है, तो आप इधर कोई भी डायमेंशन सेट कर रिफेंस में आप कटिंग कर सकते हो। रिफ फेंस हमारा तब यूज होता है जब हमको सेम टाइप की कटिंग, सेम डायमेंशन की कटिंग हमें बहुत सारे वॉल्यूम्स में करनी है, तो हम एक बार डायमेंशन सेट कर हम बहुत सारे पीसेज एक साथ निकाल सकते हैं। और ये जो रिफ फेंस है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो दिया हुआ है हमको, आप देख रहे होंगे स्केल में 1400 mm तक इसका दिया हुआ है हमारा, लेकिन हम इसको मैक्सिमम अगर हम फेंस यूज कर हम कटिंग कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम कटिंग कर सकते हैं 1300 mm तक हम मैक्सिमम कटिंग कर सकते हैं फेंस को यूज़ करके, और विदाउट फेंस हम इसको 1400 mm तक यूज़ कर सकते हैं, हमारा ये रिफ फेंस है वो नीचे की तरफ चला जाएगा हमारा। दोस्तों मैं आपको मटेरियल के ऊपर कटिंग करके दिखा रहा हूँ, और भी डिफरेंट मटेरियल के ऊपर, जैसे कि अभी मैंने ले रखा है MDF बोथ साइड लेमिनेटेड, तो इसके ऊपर हम कटिंग देखने के बाद हम फिनिश देखते हैं किस तरह की फिनिश आती है। दोस्तों अब हम ये बोर्ड जो कटिंग कर रहे हैं ये हमारा MDF है विद बोथ साइड वीनियर पेस्टेड है इसके।
दोस्तों मैं बोर्ड जो कटिंग कर रहा हूँ ये प्लाईबोर्ड है आपका, बोथ साइड लेमिनेटेड है। दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने MDF तीनों बोर्ड्स की कटिंग की है, तो आप देखो आप कितनी अच्छी फिनिश चाहिए विदाउट चिपिंग और स्ट्रेट कटिंग आपको मिली है। ये आपका MDF बोथ साइड लेमिनेटेड, ये आपका प्लाईबोर्ड बोथ साइड लेमिनेटेड, और ये आपका MDF बोथ साइड वीनियर लेमिनेटेड है। तो बहुत अच्छी कटिंग आई है और दोनों तरफ विदाउट चिपिंग आपको मिला है और स्ट्रेट कटिंग मिली है। दोस्तों अब मैं आपको एंगल पर कटिंग करके दिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर एंगल कटिंग। सबसे पहले मैं बोर्ड को क्लेम कर लेता हूँ मैकेनिकल क्लेम के थ्रू। दोस्तों देखो हमने 45 डिग्री पर कटिंग कर ली है, ये आप देख रहे हैं कितनी शार्प कटिंग हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट 45 डिग्री के ऊपर हुई है हमारी दोनों वर्कपीस की कटिंग, देख रहे हो। अब हम चेक करते हैं कि ये 90 डिग्री पर है या नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल ये परफेक्ट राइट एंगल के ऊपर है, हमको ना कोई गैप दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है परफेक्ट है। दोस्तों मैं मशीन की मोटर पावर के बारे में बात कर लेता हूं। जो मशीन की मेन मोटर है वो आपकी 5 किलोवाट की है और जो हमारी स्कोरिंग वाली मोटर है वो आपकी 1.3 किलोवाट की है। अगर मैं मशीन की RPM के बारे में बात करता हूं, 4000 RPM के ऊपर ये मोटर पावर घूमती है आपकी, ठीक है। और मैं आपको मशीन के साथ में डस्ट कलेक्टर रिकमेंडेड बताता हूँ, मशीन के साथ में आपको डस्ट कलेक्टर लेना रिकमेंडेड है। और हाँ दोस्तों अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर केपल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के लिंक पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ से मशीन परचेज कर सकते हो और आप केपल की वेबसाइट पर आपको और भी मशीन देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब मैं मशीन के प्राइस के बारे में बात करता हूँ। मशीन का जो प्राइस है वो आपका 9.5 लाख रुपये रहेगा प्लस GST रहेगा, और अगर कोई फर्नीचर रायत के रेफरेंस से आता है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।